को आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा जी सबको अच्छा रखे, स्वस्थ रखे और बहुत 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 सारा ब्लेसिंग दे हम सभी को। एंड मेरी आज मैं अपने तरफ से मतलब अपने मैं अपनी तरह पूजा करती हूँ हमेशा हर साल, तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना ये वाला पूजा वाला जो भाग है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्या बोलते हैं हम इसको, यहाँ पे जहाँ पे विराजमान होंगे कान्हा जी वहाँ पे थोड़ा सा माने यहाँ पे थोड़ा सा वो अल्पना टाइप कर दिया है। यहाँ पे मेरा चंदन का जो होता है वो है, फूल है वहाँ पे, और यहाँ पे गंगा जल है, और यहाँ पे कांसर है, और यहाँ पे चावल सिंदूर और इसको आई डोंट नो क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे दिया भी है। तो यहाँ पे मेरा एक नया वाला कान्हा जी मैंने निकाला है, इनको झूला झूलाऊँगी तो बहुत क्यूट है ना। एंड ये वाला मेरे पहले से ही है, सो इनको भी झूला झूलाएँगे। और मेरा जो कान्हा जी हैं ये वाला एक है, तो इनको स्नान कराएंगे, उसके बाद हम इनका वहाँ पे विराज कराएंगे इनको, फिर उधर से हम पूजा शुरू करेंगे। तो चलिए पहले ना हम इनको स्नान करा देते हैं। तो मैं इसके अंदर गंगा जल से स्नान कराऊंगी, जैसे बाकी लोग क्या करते हैं ना कि लाइक वो पंचामृत का स्नान होता है, दूध से स्नान कराते हैं, बट मेरे घर पे मैंने ऐसा कुछ कभी किया नहीं, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि गंगा जल से स्नान करा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पूजा विधि, बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पे हमारा पूरा मंदिर है यहाँ पे इस पास में, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा व्यवस्था की है कि अपना कान्हा जी का पूजा करूँ। तो होप्स आप सभी को अच्छा लगे, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ब्लॉग बनाने का, बस सोचा कि एक वीडियो बना लेती हूँ ताकि मुझे भी याद रहेगा मैंने कैसे कैसे पूजा किया था। Mm-hmm.